और मुझे देख ऐसे लग ही नहीं रहा ना कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि यार दोस्तों को देख के ना सारी बीमारी भूल जाते हैं। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि यार दिवाली आ रही है। हेलो जी, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा। सो अभी तुरंत मैं व्लॉग शूट करना पड़ा, जैसे कि आप सबको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो इसीलिए मेरी फ्रेंड स्टोरी देख के मुझसे मिलने आ रहे हैं। वैसे सोनिया एक दिन पहले ही आके गई है, ठीक है, वो पूरी नाइट मेरे पास रुकी थी, लेकिन तब मैं कोई भी शूट वगैरह नहीं कर पाई थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर उन्होंने सांस की प्रॉब्लम हो रही है मुझे, फिर उन्होंने देखा कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो आरती के घर गई, उसको कुछ काम था अर्जेंटली, वरना वो यहीं रुक रही थी, कुछ शूट वूट के लेके आई थी वो। फिर उसने आरती को बताया तो आरती भी बोली कि नहीं यार मुझे भी जाना है। सो अब रात को क्विक वाला प्रोग्राम बना है उनका, अभी 10 बजे मैसेज आया है कि वो लोग आ रहे हैं, इसलिए कि इतने दिन से मैं ना वीडियो शूट कर रही हूँ, ना मैं प्रॉपर व्लॉग बना रही हूँ, कुछ नहीं बना रही, स्टोरीज़ में देख रहे हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो दोस्ती इसी को कहते हैं, वो मिलने आ रहे हैं, अब वो मिलने आ रहे हैं, तो हम देखते हैं थोड़ी सी ठीक रहूँ कि उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ, अच्छी सी रह जाऊँ, क्योंकि थोड़ी सी मेरी सांस की प्रॉब्लम हो रही है, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए ना तो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, ना ही मैं कुछ भी शूट कर रही हूँ, ना मैं रील शूट कर रही हूँ। सो यही रीज़न है। वैसे आरती, जीजू, सोनिया और राज भैया आएंगे, क्योंकि वो जैसे ही आएंगे मैं आप लोगों के साथ मिलाऊंगी, क्योंकि सोनिया आके गई थी और पूरे दिन रह के गई ना, मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं करवाई, क्योंकि मेरे हाथ में ही नहीं था कि मैं फ़ोन भी हाथ में लूँ, इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी। तो बस अब वो आ रहे हैं, आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, सांस आप लोगों के सामने कैसे ले रही हूँ मैं। सो बस इसीलिए वो लोग आ रहे हैं, तो शायद मैं थोड़ी सी ठीक रहूँ, कुछ अच्छी सी बात करने लायक रहे। सो गाइस जैसे भी होता है आप लोगों के साथ अपडेट करेंगे, एंड तक बने रहना, खूब सारा प्यार देना। राम राम सर, राम राम सर, राम राम सर। बोलो मेरा बच्चा, बोलो मेरा बच्चा, मेरे को स्कूल नहीं जाना, प्लेन देख के आई मैं अभी, पता है ऊपर से जा रहा था। वाओ तालियां। हेमंत भैया सो गए, सुबह 6 बजे उठना। और सेंटर बाबू, ये तो कुछ भी ठंड लग रही है, कोलैबोरेशन इवेंट कल अच्छी से वीडियो से बोल। अरे इसके तो सो गए थे रात को इतनी गर्मी में। शाबाश। हेलो, बताओ कौन से कमरे में करना है? वो तो बड़ी सॉफ्ट है। ये देखो, ये लेके आई है हमारे घर पे, ये करण हमारे घर पे ये पेंट करेंगे। मैम काम पे लग जाओ, अभी रेस्ट मत करो। लग रहा है, आ गए हमारे, बस आ रहे हो। ये पेंट का नहीं है, दही का है ना? दही का ऐसे ही काम है, हमारे दही का बिजनेस किया है, तो कोलैबोरेशन करवाना है आपसे मुझे। तो अच्छा, वाह थैंक यू, ये मैंने फैक्ट्री खुलवाई है। ये आपका बेटा है ना? वाह, इसको भी देखने को मिला, बेटी को तो मैंने कितनी बार देखा, बड़ी इसको तो यार ये कहां से आ गया, ये तो कहीं भी, ये इतना पढ़ाकू बच्चा है जो अपने मम्मी के इतने बड़े इवेंट में नहीं गया है ना। तीनों बच्चों के लिए लड़ाई होती कि हम जाएंगे, तो लेके ऑर्डर के आई है उसको जबरदस्ती, या ननद आई हुई है ना, तो फिर मैंने कहा कि अरे वो फिर अकेली रहेगी अकेले ऊपर, घरी आ रही थी तो क्या। हां आदिर बैठो बैठो, अच्छा पहली बार मिली है। हां मुझे पता था कि आप जानोगे। नमस्ते, कैसे बढ़िया, कहां है? नमस्ते जी, खुश रहे, इन्हें दिखाओ सर, मेरे मन का ही दिखाओ। क्या है रवि जी का बेटा बराबर वाला हो गया, राज का बेटा बराबर वाला हो गया, हमारा बेटा भी हो जाएगा आने वाले। अरे गूगल यार, तू मोबाइल में कहाँ अच्छा गूगल है भाई, गूगल गूगल है, गूगल को मैं चेक मेरे को आज एक बार मोबाइल में करती हूँ और आरती जी कैसे स्मार्ट फोन स्टार्ट किया रही है। मैं तो इनको पेंट डलवा दूंगा, आरती ने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया यार। अरे नहीं रे यार, मैंने ये सोचा था अपन करेंगे, फिर मैं सोचा चलो आरती ले आई है तो कोई नहीं, अपन गांव चलेंगे, वहां काम मिलेंगे, वहां जाके कलर करने जाएंगे ना, दिवाली पे हम घर जाएंगे, घर जाके पहले बोर्ड पहले जी क्या बोल रहे हैं, आरती है आरती का लेकर क्योंकि हमें बहुत काम है। वो तो ठीक है, इतना अच्छा लग रहा था ना, सब कोई आ गए और मुझे देख ऐसे लग ही नहीं रहा ना कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि यार दोस्तों को देख के ना सारी बीमारी भूल जाते हैं। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि यार दिवाली आ रही है, हम दिवाली पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, क्योंकि अब है ना हमारा ग्रुप सर्कल बहुत बड़ा हो गया है, मतलब बहुत सारे दोस्त हो गए हैं, सब कोई खूब मस्ती करती हैं,
बातें करते हैं, सारे हस्बैंड्स दोस्त हो गए और हम सारे दोस्त थे ही, तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे टाइम स्पेंड में ना पता ही नहीं चला कब 2-3 घंटे निकल गए हम सबको बातें करते करते। मेरे लिए स्पेशली लेके आई है कड़ी चावल, वो पकोड़े वाली। भैया हींग विंग का तड़का खुद लगा लेना। हां भाई कह रही हूं कि लाई हींग का थोड़ा तड़का लगाती हूं, मैं ये क्या है, ये बड़े दिल से लेके आई है सरिता नागौर के, वहाँ पे कोई मेला लगा था उधर से भी बड़ी तारीफ मारी, लेकिन एक सिप पीते मैंने इसको कई देर से देखा, मेरे को जिन का प्याला है अभी ऐसे यार, ये दोनों सीरियस एकदम एक जैसे हैं यार, मेरे को ना समझ में भी नहीं आता कुछ कुछ भी नहीं, बे मतलब कि ये हंसती है, इसको देख के ही हंसती है। क्या कर रही है, आधी रात को हो गई पागल। नहीं मैं वो लालच की बात नहीं कर रहा, मैं वो लालच की बात। सो गाइस व्लॉग एंड तक देखना, हम लोग अभी लेट नाइट कहीं जाने वाले हैं जो कि बहुत ही मस्ती होने वाली है वहाँ पे, तो कुछ देर हम बातें करते हैं। मैं इसमें लाइन लिखूंगी, अब रुक जा, अब तू रुक, अब तू रुक, ये व्लॉग मैं डालूंगी, अब रुक। सच घटना पे कोई आधारित नहीं है, ये डिलीट कर देती है हमारी असली घटना, कुछ भी करते हैं ये, ऐसे थोड़ी ना कोई डाला जाता है हर चीज, कुछ मस्तियाँ हमारे खुद की होती है। ओ हो हो, जेठू भाई खा के निहाल करे। सीढ़ियों में कुछ मत बोलना, बोल यार यहां पे तो ऐसे ही पड़ रहा है। सो अब हम जा रहे हैं 24/7 के वहां, ये मेरा है, तो अब हम जा रहे हैं वहां कुछ खाने पीने में मस्ती करने, लेट नाइट की मस्ती अलग होती है, सो वहां जाके मिलते हैं। करते हैं गोदी में बैठ के रहना, ठीक है, बहुत प्यारे हमने और हमारे वाले में बिल्कुल भी नहीं है। आगे जाइए बैठिए, मेरे को भी ऐसा कॉपीराइट। सो सारे उतर रहे हैं, अब हम आए हैं यहाँ पे 24/7 में, पीछे वाली सीट खोलनी पड़ेगी तब बच्चा निकलेगा ना, पैरों के मजे ही होते हैं, है ना, पैरों के मजे ही होते हैं भाई, यही मजे। मैं बस रही हूँ, ठीक है, एमपी आके। हाँ तू आ जाना, दरवाजा बंद कर। देख हम तो पहली बार देख रहे हैं, तू पिट जाएगी तो बता, तो क्या खाएगी सोनिया स्पेशली रात को 2 बजे खाने के लिए आई। कौन सी गाड़ी है, मैं बदले लेने आई, तू चल, कितनी जबरदस्त है ना 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 ना, कुछ नहीं है। बोलो राज भैया, जीजू क्या खाओगे, बच्चा क्या खाएगा, तो अब देखते हैं कौन क्या खाता है। मैं तो मस्त आरती के हाथ के कड़ी चावल खा के आई हूँ। इस जगह का नाम है 24/7 फूड कोर्ट, ठीक है, जो कि पूरी रात पूरा दिन ऐसे ही चलता है और रात को 2 बज रही है, रुको मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, इतनी भीड़ रहती है, ये देखो ये आरती का मोबाइल है और रात को 2 बज रही है, 2:05 हुई है और यहाँ पे भीड़ देखो, ऐसे लग ही नहीं रहा ना कि इतनी रात हो चुकी है, ऐसे लग रहा है कि दिन है अभी तक, तो यही लाइफ है गुड़गांव की, वैसे भी शहरों की यही लाइफ होती है। खाने लग गई तो जेठू जी स्पेशली इसके लिए फास्टिंग वाला लेके आए हैं। देखो यार अब इनके पिज्जा का इंतजार करूंगी तो ये सच में जूस बन जाएगा, इससे बढ़िया खा ही लो ना, थोड़ा थोड़ा खा लो सब। नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, तुम खाओ, हमारा आ रहा है केविंटर शेक, गार्लिक ब्रेड, सब कुछ, हम किसी को दिखा के ऐसे चिगा के खाएंगे। ब्रेड तो नहीं की मैंने, पिज्जा किया अंगूरी, गार्लिक ब्रेड की नहीं, तो तूने बोला कहाँ, जेठू जी मैंने गार्लिक ब्रेड बोला था ना, मेरे को पिज्जा बोला तो हमने वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मैं मेरी पसंद का कर लिया, रेड पेपरिका का पनीर, अभी पता क्या किया, अभी पता क्या किया, मैंने यहाँ पे खड़ी हो गई, मेरे भाई हमको बता देती, मस्त बन जाए,
ये तुम्हारी बीबी थक क्या गई थी तो वहाँ पे जेठू जी लेके आ रहे हैं मेरे लिए गार्लिक ब्रेड। और फिर आप सबको पता है जैसे हमें केवेंटस का शेक बहुत ज़्यादा पसंद है तो वहाँ का ऑर्डर हो चुका है। दोपहर को जब यहाँ पे शेक लेके आ गए मेरे परी रेव, देखो रे कितनी सेवा कर रहे हैं, आ रहे आने लेके आ रहे हैं। आ गया है मेरा वाला, आपका वाला कहाँ है बंदे? कुछ भी नहीं हो गया। ये क्या है, ये कौन सा है? ये भी सेम है, सेम सेम सेम। ओरियो सबके लिए आ गया है हमारा ओरियो ओरियो शेक, यानी बूमरैंग बना लो ऐसे करके तुम लोग हीरोइन की तरह इतना दूर दूर तक ये सोच रहे हाँ फाइनल कर लो भाई, फाइनल कर लो जो मर्जी। तो अब हम जा रहे हैं, ये लोग यहीं से ही जा रहे हैं क्योंकि भाई थर्ड फ्लोर तक कौन सीढ़ियां चढ़े बताओ, क्योंकि वापस फिर अगर थर्ड फ्लोर चढ़ोगे तो वहां पे भी थर्ड फ्लोर चढ़ना है ना, इसलिए वैसे मेरी तो आदत है चढ़ चढ़ के ना, तो आदत है मेरे को भी बनाना है। गाइस हम जा रहे हैं ठीक है ना, तो हमको तो सोना है, रुक रहे हो ठीक है? हां अब रुक रही है, रुक रहे हैं। अगर ये प्लान डंग का हुआ तो इसका मेरा काम ना ठोस होता है, समझ में पता? अगर आरती ने जवान दे दी ना कि ये काम तो ये काम होता है, चलो यही बात, ये बात तुम्हें नहीं पता, वो तो नहीं हो बिगनर हो, ये मेरे साथ अभी तीन चार तीन साल साढ़े तीन साल, मैं इस बार डांडिया एग्जाम आरती के भरोसे ही हूँ। लेकिन डांडिया तो मैं इधर ही कर लेती हूँ, चार लाइटें ला देती हूँ। ठीक है चलो गाइस अब मैं ऊपर जा रही हूँ, बाय बाय गुड नाइट, बाय बाय भैया मेरी ब्लॉगिंग कर देना थोड़ा सा, सॉरी सॉरी बाय 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 गाइस। जब तबीयत ख़राब होती है और दोस्त सुनता है ना तो वो मिलने आए तो हम पूरे ठीक हो जाते हैं कसम से। उनके साथ ये दो तीन घंटे चार घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। तो उनको ये था ना कि मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ, मैं शूट नहीं कर रही हूँ, मैं व्लॉग्स नहीं बना रही हूँ, तो वो लोग आए बहुत अच्छा लगा। और दोस्त के साथ कब टाइम निकल जाता है कुछ नहीं पता। सो गाइस ये वाला व्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं, खूब सारा प्यार देना, बहुत जल्दी मेरी तबीयत ठीक करके मैं कमबैक करूँगी बहुत जल्दी, सो खूब सारी ब्लेसिंग देना।